घर में औलाद ना बढ़े, औलाद हुई है जेकरे घर बीमारी बा बीमारी समाप्त हुई। जिन बच्चों को बच्चियों को पढ़ने में मन नहीं है ये पढ़ेंगे, और जिनके घर में लड़की की शादी नहीं हो पा रही है ये बेटी की शादी होगी। मैं चार बात बताया हूँ और केवल प्रवचन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले तुहार शंका सुभा जो रोल समाधान हो गई। कहिए एक बात सुनिएगा, निराकार को मानने वाले लोग और करें थोड़ा विश्वास हमारे बात को। जैसे कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहा है और उसके गाड़ी की चक्का का हवा निकल जाए, गाड़ी के चक्का का हवा निकल गया तो वो पूछ रहा है भैया हवा कहाँ मिलेगा, ए हवा कहाँ मिलेगा, गाड़ी का हवा निकल गया है चक्के का। तो कोई ज्ञानी आदमी था कहा हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल हवा तो चल ही रहा है। तो कहा ही तो बड़ा गजब फोड़ गए हम फेल में, ये कह रहा हवा हर जगह है। अच्छा तो हर जगह हवा है तो गाड़ी चलेगी, चलेगी हो, कहा चल रहे हैं दूसरे जगह पूछेंगे। उनसे जाके कहा भैया हवा कहाँ मिलता है, तो कहा वो क्या बता रहा था, और तू तो कह रहा है हवा हर जगह है। वो कहा कि कम जानता है हमसे, सुनो हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर अगर हवा नहीं रहता तो तुम चलते कैसे। कहा बात तो सत्य है लेकिन इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी। अच्छा तो मीठा मीठा कहल जाता मुंह मीठ हो, पानी पानी कहल जाता प्यास बुझाई, जब तक खाओगे नहीं पियोगे नहीं तब तक महसूस नहीं होगा महाराज। किसी ने कहा जाओ दुकान वहां है, दुकान पर गया और दुकान वाले से कहा भैया गाड़ी का हवा निकल गया है, ए साकार इंजन, साकार हंडी, साकार पाइप, साकार पहिया, साकार ट्यूब, पांच गो साकार लगा करके एक निराकार को भरा गया, चक्का टनाटन हो गया कि नहीं, नहीं हो गया। निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोगों से मैं निवेदन कर दूं, बिना सगुण का कोई निर्गुण का मतलब नहीं होता है सरकार। अच्छा कितना हो बड़ा मंदिर हो, उस मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति ना हो, शंकर जी का शिवलिंग ना हो, दुर्गा जी की मूर्ति प्रतिमा ना हो, उस मंदिर में जाने का मन करेगा, जाओगे आप। यहाँ बहुत अच्छी कथा हो, हमारा मोबाइल से भी सुनते हैं और डायरेक्ट सामने बैठे हो, इसमें अंतर है कि नहीं है, नहीं अंतर है। मोबाइल दूसरा चीज हो जाएगा और डायरेक्ट कथा सुन रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी तुरंत पहले पार्वती मैया के धन्यवाद दे, का कहले धन्य धन्य गिरी राज कुमारी, सकल लोक जग पावनी गंगा, राम सिया राम सिया जय जय राम राम सिया राम सिया जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। चौपाई को थोड़ा समझिएगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती पर शंकर जी को गंगा लाए हैं, शंकर भगवान को गंगा लाए हैं। आप लोग तो समझदार व्यक्ति हैं, जानते ही हैं, एक गंगा को तो सभी लोग जानते हैं, ये चार गंगा उठा रहा बा हाथ लेकर, को गंगा अंगुली उठाइए ना। ये ब्रह्मा जी के कौंडव वाली जो शंकर जी की जटा से आई एक ही गंगा जानते हो आप, जिस गंगा में नहाते हैं तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, भगीरथ वाली जो आप जानते हो
शंकर जी ने एक गंगा नहीं दो गंगा, जिस गंगा में आप नहाने जाए, आप जाते हैं ना, बरहज जाए, गोरखपुर जाए, आप प्रयागराज जाए, अयोध्या जाए, बनारस जाए, इस गंगा में डुबकी लगाया जाता है। और मानस की चौपाई पढ़िएगा बड़ा प्रेम से, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा कौन है? आप जहां बैठे हो, प्रयाग जाए चाहे ना जाए, अयोध्या जाए चाहे ना जाए, मथुरा जाए ना जाए, लेकिन इस प्रयाग में जो गोता लगा लिया उसका जीवन तो तरिए गया। ताली बजाओ बरिया रे, तर जाना है मारा। इस गंगा में गोता लगाने का प्रयास करो आप, और जो अपने जीवन में कथा नहीं सुना उसका जीवन तो ऐसे ही बर्बाद है। एगो बड़ा चालू आदमी रहल, तंता कब हमरा हो, बड़ा चालू आदमी रहल, अपने जीवन में 50 वर्ष में कई करोड़ कमाई लो, करोड़ों रुपया। आगे भी आ जाओ, आगे जगह है, आगे इधर आगे आ जाओ, दोनों चलनी में झांक टाक के चल लू है लोगन, है ना, आगे और ही आ जाओ, बैठा लोगन, वो झकले से नहीं कह भाई कथा सुन, हाँ झकलका से नहीं कथवे। बैठ जा, बैठ जा लोग, कहीं बैठो। बड़ा सुंदर आज की कथा बा, और समझने का प्रयास करना कि वीरेंद्र बाबा बोल क्या गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, राजा रामचंद्र की जय। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करो आप। शंकर जी कहली कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा यही है महाराज, और इसको किसने बनाया? हमारे भोलेनाथ ने। रच महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस का रचना हमारे शंकर भगवान किए हैं। जो शिव चर्चा आप लोग करते हो ना, ये शंकर भगवान ने रामायण को रचा है। तुलसी के मान का है रामायण रचना, ये हमारी कथा है कि भगवान की कथा? तुलसी ने लिखा है कि कलिमल हरन मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए ये बताने का तरीका मैं जानता हूं। अगर प्रेम से कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, हमारे तो कथा के इतने लोग दीवाना है क्या कहें हम। दिन भर में कम से कम 2000 घंटी आती है। बाबा आपकी कथा कहां चल रही है? तो लाइव कथा चल रही है, तो सभी लोग के कान में जा रहा है कि यहां चल रही है कथा। सब लोग मेरे कथा को, जितने मेरे श्रोता है उत्तर प्रदेश बिहार देश विदेश, सब लोग मेरे कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि बाबा को बताना है, उचालू आदमिया के बात बतिया उतर ली है। 5 करोड़ रुपया कमैलस 50 वर्ष में, आया अपन बर्थडे मनावे जन्मदिन के कटा लगना केक काट के दिया बुतावल जाला। ए दादा केक कटले दिया बुतावल, आ 5 मंजिला पर एसी कमरा में सुतल हल, तबले धराक दे जमराज फाटक खोल ले। और जब जमराज फाटक खोल ले तो कहले आप कहां से आ गए? कहले मैं जमराज हूं, तुमको लेने आया हूं। कहले कि 40 वर्ष का उम्र बा हम जाए, अबे आगे ले लेवे जमराज डायरेक्ट बतिया रहे। कहले ठीक बा, जही के बा काम कर, है काजू बा बादाम बा अखरोट बा पिस्ता बा पहले खा ले। चालू आदमी बा ना, चलू वही कह ले। कहले जम के खिया दे बोध हो जाए ना, ले जाइए खियावल शुरू कैलस। आ जमराज खूब कचर के खैले, जब खैले तो इनका नींद लागे लागल, जब निदिया लागल तो कहले 5 मिनट वो ठंग, कहले बेडवे पर सुत जाइए जहां सोए थे। जमराज सुत गई ले, अभी चालू आदमी पता लगाओ ताकि रजिस्टर कहाँ बा, जो नौआ बा हमके ले जाए के। जमराज मुड़ी तर धो के सुतल हल, धीरे से रजिस्टर खींच ले हल। एकर पहले नंबर पर नाम रहे, जौना से अक्षर मिटावल जाला, ले के स्याही से अक्षर मिटा दे ले। अब मिटवला के बाद अपन नाम 5 पन्ना के नीचे एकदम सबसे नीचे नाम लिख दिया लो। बोले 10 बार जीबे करब। जमराज उठल तो कहले चलो
चलो तैयार हो जाओ। कहले सरकार भोजन प्रसाद नहीं भइल रुआ, नाश्ते ले रह गए। जमराज कहले आज तक कोई खिलाया नहीं था, आज तक मेरा कोई सेवा नहीं किया, मरने वाला तो भी कोई खिलाएगा अगी चिल्लाएगा। तुमने बड़ी सेवा किया है, एक काम आज करेंगे बदल करके। क्या? आ तो रोज हम ऊपर से गणना करते थे, आज नीचे से गणना करेंगे। बुझाइल बतिया? नहीं बुझाई। मुहे वाला न छरिया काट के नीचे लिखल रहा, भगवान से चालू बनने का प्रयास न करवा। कहले नीचे से गणना करेंगे। कहले दादा ये कितनों चोरू है, कहीं पकड़ाई गई, धरा जाओगे। कभी भी अपने को चालू बनने का प्रयास मत करो, उल्टा सीधा काम करने का प्रयास न करो। अगर इस तरह से करना है तो परमात्मा से डरने का प्रयास करो कि भगवान आप गलत करोगे। भगवान गलत करेंगे किसके साथ? जो गलत करता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा रामचंद्र की जय। शंकर जी कहली कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, अ सकल लोक जग पावन गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा जो तू सुनना चाहती हो आज मैं सुनाने जा रहा हूं। शंकर जी कहले ध्यान से सुन, होशियारे आदमी के सामने बढ़िया बात बोलल जाला। एगो रास्ता पकड़ के जात रहे रोड पकड़ के, एगो तीन मंजिला कोठा पर से खेखार के थूकते तबा चप दे थूकल सोकर कपड़े पर आई तो ऊपर तकलत कल भैया देख नहीं रहे हो, देख करके नहीं थूकना चाहिए, कपार पर थूक दिए तुम। छत पर हो तो इसका मतलब कुछ भी करोगे। जब ही कहलत बताओ कपार पर थूक दिए देख कर नहीं थूकना चाहिए, तो जब थूकले रहे कहलत तुमको देख करके नहीं चलना चाहिए। बताइए थूकने वाले की गलती है कि चलने वाले की? नहीं बोलोगे? थूकने वाले की गलती है ना। रामचंद्र जी कथा में बुला दिए हैं, आप सुनो ना सुनो आपकी मर्जी है, लेकिन कथा का निंदा क्यों करोगे आप? पूजा का निंदा क्यों करोगे? व्यक्ति का निंदा क्यों करोगे? यही कथा आप कराकर देखो कितना दम लगता है। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? सत्यनारायण भगवान के कथा सुन लेना ही पार लागा था, आई कथा कराओ तो ना तो हो के छेड़खानी करो का होता है। ये रही के लोगों से निवेदन करेंगे, यहां आपका खेत बारी मांगने में नहीं आया हूं, ना रामचंद्र गुप्ता मांगेंगे। आपको प्रेम दिया जा रहा है कि गांव भर के लोग आकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। ये अपनी कथा है, भगवान की कथा है, और भगवान की कथा में कोई किटसाइज नहीं, कोई ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं। बहुत लोग करावता ना वह सुना हमारा का मतलब, चला सुता प्रेम से, सुतते सुतते जीवन बेकार हो जाता। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पर। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पर। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पर। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, होता छोड़ के जाए के पर। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के। रौरा इलाका में जे बड़ा धन कमैले बा, घर लेके गइल बा, खेत लेके गइल हो, रुपया लेके गई, हाँ नाम वाला व्यक्ति नाम लेकर जाएगा। नाम उसका नहीं मिटता है जो अच्छा कर्म करता है, बुरा काम करने वाले को तो नाम मिट जाता है सरकार, यही मिट जाएगा। सुंदर विचार बनाओ, सुंदर काम करो, आपका नाम जगा ही रहेगा। शंकर जी कहें देवी पार्वती गौर से कथा के श्रवण कर।
दशरथ जी के जीवन में एक बार चिंता हुआ। कब? एक दिन सवेरे सवेरे जब महल से निकले लगले, कौशल्या बड़ा बिहबल होकर हंसत रहली, स्वामी जा रहे हैं थोड़ा जल्दी आइएगा। आ दशरथ जी जब गए अपना भ्रमण करे, सांझी के बेरा आईले तो कौशल्या बैठ के रोवत रहली। कथा शुरू हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती से बता रहे हैं कथा के कर अयोध्या धाम की। सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पड़े बहल बड़ी, जहां राम जी बैठावर गई हा, राम जी के जन्म भइल बा। आज वही घर के कथा शुरू होता, बड़ा प्रेम से कथा को सुनो। दशरथ जी कहली, कौशल्या हम जाते नहीं अब शाम के लौट के आए। आज जब सांझी के अलें तो कौशल्या बैठ के रोवत रही। दशरथ जी कहले, रानी तू रोवत कहे बरू? कौशल्या कहली, स्वामी रोवत तनी कि रौरा नाई रहले के बाद हमारे घर में दीपक के जलाई, रौरा नाई रहला के बाद हमारा घर में चिराग के जलाई। लोग बेटा खातिर रोवे ले ना कि हमारा घरे केहू नाई बा, एगो औलाद नाई बा, खेती बाड़ी के ले। इहे बतिया कौशल्या कहली कि आपके न रहने के बाद ये संपत्ति का मालिक कौन होगा सरकार। दशरथ जी बतिया सुन ले तर रोवे लगले। तुलसी बाबा चौपाई लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी महाराज की। चौपाई को थोड़ा गौर कर लेंगे आप, बार बार ना ही एक बार। दशरथ जी के बुढ़ौती आई लहे कबो चिंता ना भेल, और चिंता कब भेल तो बुढ़ौती में, काहे खातिर? ते एगो औलाद खातिर। एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी माने चिंता और सुत माने पुत्र। दशरथ जी के चिंता भइल कि आज ले हमारा पुत्र ना भइल, एमे जकरा घरे बेटा लड़का ना भइल ओकरा चिंता बा कि ना बा, कई कितना जने के बेटी के बच्चा ना बा, बहू के बच्चा ना बा। ई बात हम बतावे जाते हैं, वीरेंद्र बाबा के आने का मतलब कुछ परसेंट सुधार हो जाए, लोग बदल जाए, इच्छा बदल जाए, और परिवार में ठाकुर जी की कृपा भी बढ़ जाए। ताली बजा लो बढ़िया रे। दशरथ जी जमीन पर बैठ के रोए लगले, एक बार भूपति मनवाही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। आज ले हमारा पुत्र ना भइले, पूरा जीवन बीत गल, चौथा जपन हमारा चलता, हमरी घरे बेटा ना भइले। दशरथ जी विचार करे कि गुरु के दरबार में चल, पढ़े लिखे लोग मास्टर यहां बैठे होंगे, व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी गौर करेंगे। दो अक्षर का नाम गुरु का है गुरु। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे परल बा तो के प्रकाश मिले। हम विचार देखिएगा कितना अच्छी बात है। दशरथ जी विचार करें कि गुरु के दरबार में चल। आप जहां बैठे हैं ना, ये गुरु का दरबार नहीं है, ये तो डायरेक्ट भगवान की व्यास गति है हमारा। इस तबला के वजह से मुझे नहीं जानते हो आप, नाल बजाने वाले के वजह से नहीं जानते हो,
ये कोरस करने वाले लोगों से नहीं मुझे जानते हो, ये वीडियो चलाने वाले वजह से नहीं जानते हो, हारमोनियम बजाने से नहीं, मेरे चेहरे से नहीं, आप जानते हो कैसे? तो हम भगवान की वीरेंद्र बाबा राम कथा भगवान की कथा कहते हैं, कथा के नाम से मुझे जानते हो। ताली बजाओ यारे। ये ब्यास गद्दी है ना, व्यासपीठ पर बैठ करके उल्टा सीधा नहीं बकना है, मुझे तो जो बोलना है सो ही बोलेंगे, और मेरे अंदर जो अपना इच्छा है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो करिएगा। जिनकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरत देखे तीन, अपन मति थोड़ा संभारने का प्रयास करोगे आप, जौन बिलागल तौन बिलागल, लेकिन अब से तो बचा ले जा, हम तो बार बार कही ले, अरे कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, धीरे धीरे बीतता कि बढ़ता, हमें जे बैठल बा ओकर दिन निराता कि बढ़ता, निराता इहो गारंटी ना बगैर रत्ती के बिहल ना, अरे कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, तोहरे जिंदगी के पी लिमोराए वाला बा, तोहरे जिंदगी के पी लिमोराए वाला बा, तोहरे जिंदगी के पी लिमोराए वाला बा, कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, तोहरी जिंदगी के पी लिमोराए वाला बा, तोहरी जिंदगी के पी लिमोराए वाला बा, तोहरी जिंदगी के बार बार मैं निवेदन करता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करो आप, कुछ बीतल कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, आ तोहरी जिंदगी के फिल्म उड़ाए वाला, आप ईमानदारी से बोलना, आप ये समझ पाते हो कि मुझे मरने का टाइम हो गया है? हमें कई जन बैठल बड़ाई कहले बाप आप बहुत दिन जी हो, गांव भर के भूज ले तबे मुंह, हाँ गंगुआ में सब निमने बा, हाँ तू और चैंपियन बाड़ू, हाँ जब माथे तार काम नहीं करता तो कुछ तो बोलिए देव, का करे ये भगवान गूंज दिले मैंने, गांव में ऐसा लोग बाग ना कि अपनी बुराई नहीं देख रहा है, अब गांव भर की बुराई देखता है हमारा, हमें जौन मेहरारू अपन पतो ही कमांड ना को पावतिया, अपन बेटा कमांड ना बा, अपन मर्द कमांड ना बा, गांव में लेक्चर जरूर देती होई, अरे तोर पतो ही है वही खल के बाद, तोर बेटा हुए वही खल के, तोर घर है वही खल के बाद, ए थो बड़ा हो तो हार घरवा कैसन बा, अपनो घरवा देखो, हे में जौन है मर्द के अपन घर अपना कमांड में ना बा, बर गांव लेक्चर देत होई, एमे सो में उमे सो में लगौले बजल के पैर में के लगा के पिटवा दो, के थाना पर पहुंचा दो, कब 112 नंबर बुला दो, यही फिर में दिन भर लहुराता हूं, उनका कल्याण होई होई कल्याण, आप दूसरों को फंसाओगे ना बरियारे फंसा देंगे भगवान, किसी के लिए गड्ढा खोनेगे ना तो कुआं खोन करके भगवान खड़े हैं ढकेल देंगे तुरंत, किसी का बुराई ना करो, किसी के तरफ अपना ये 5 उंगुलियां हैं और एक उंगुली मैं आपको दिखा रहा हूं, तो 4 उंगुलियां किधर आ रही हैं, किधर आ रही है, 4 उंगुलियां अपने तरफ आ रही हैं, पहले अपने बुराई को, अच्छा तो वीरेंद्र बाबा कहां जा पिए सूरती खा और तो क्या कहे दारू छोड़ो, तो हुकाय वाला बात बखना बा ना बा, पहले वीरेंद्र अपनी बुराई छोड़े ना, पहले तो मुझे छोड़ना होगा, घर का गार्जियन अगर बुरा है तो उसके परिवार के लोग कैसे रहेंगे, बढ़िया के बुरा, बापे दारू पिया था तो बेटा साधु हो जाई, और जो दारू बाप पिया तो बेटा के डांट दी नटी हो,
और ए तरी पर तो घर घर में है बीमारी धले बले ले बलाए। हर जिला में हर गांव में यह चलते बायो। आरी घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा, बटवारा के बीमारी आ घरे संगे बाटल जाले बाबू हो। अरे घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी, घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी, घरे संगे बाटल जाले बाप महतारी, घरे संगे बाटल जाले। घर घर में घरे संग है बाटल जाले, यही में बंटवारा नहीं होला। खेत बटाता, घर बटाता, रुपया बटाता, बटुला बटुली कुर्सी मेज बटा गई। पहला प्रश्न उठाता कि माई के करे में रही या पापा के करे में। बड़की पतोही से पूछा था बुढ़ाऊ का अपना में मिले वो। बड़की पतोही कहते दादा बुढ़वा समझा नहीं पटेला हमारी में ना रही। मंजली पतोई कतिया बुढ़ाऊ हमारे में आव है, लेकिन बूढ़ा के एक दिन अपन में रहे ना देवे अलगे बूढ़ा जान में बंटवारा हो गए। बुढ़ाऊ माने मझिलो में, छोटकी पतोई कतिया बूढ़ा हमारे में आव है, लेकिन प्रधान जी पहले लिखा पढ़ी कह दे जब ले जी है तो ले बूढ़ा बुढ़ाऊ से बोलनी है न। कहो घर बटाता है, घर बटाता मुंह आवल जाता यही में। हमारे यहाँ तो देखता नहीं बापो बेटा में बंटवारा बा, माई अलगे बनावती या खाती या बेटा पतो ही अलगे। एक गांव पर लन के हुए सन बा, ठीक बा लोग जो तो बुझते बानी जमल लह लोगों ने ही तारे। घर घर में दहिले बा मंटू भैया इन्हें आ जा लो।